हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त परमिंदर और मेरे चैनल लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको भिंडी को कैसे काटते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे, दो से तीन बार पानी में वॉश कर लेंगे पानी से, और थोड़ी देर के लिए इसको पानी में भिगो कर रख देंगे और उसके बाद इसे निचोड़ लेंगे। तो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश करके एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। जब इसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसे किचन टॉवल पर थोड़ा सा सूखने के लिए डाल देंगे। आप चाहें तो इसे न्यूज़पेपर पर भी डालकर थोड़ा सा सुखा सकते हैं। भिंडी को कभी भी गीला नहीं काटते हैं, पहले इसे सुखाते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसको काटते हैं। अगर हमें भिंडी को जल्दी से बनाना है तो हम क्या करेंगे, कपड़े के साथ इसको पोंछ लेंगे, वरना इसे हम पंखे के नीचे किसी पेपर पर बिछाकर भी रख सकते हैं सुखाने के लिए। अगर हम गीली भिंडी बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। ये सारी भिंडी मैंने कपड़े की मदद से सुखा ली है, अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले इसके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको काट लेते हैं, भिंडी को इधर से भी उतारना है इधर से भी। ऐसे ही हम सारी भिंडी के पहले ये काट लेंगे ऊपर का और नीचे का हिस्सा। ये मैंने सारी भिंडी साफ कर लिया, अब हम इसे काटते हैं। हमें जितनी मोटी और पतली रखनी है वो हम अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं। इसको भिंडी को थोड़ा मोटा काटेंगे तो अच्छी बनती है वो, और इसको काटते समय हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, ये भिंडी अंदर से ख़राब हो जाती है, तो इसे काटते हुए बहुत ही केयरफुली इसे काटना है हमें। आप कम से कम इसको आधा इंच तक मोटाई में ज़रूर काटें, ज़्यादा पतली आप काटेंगे बारीक तो क्या होगा, वो आपस में बिल्कुल ही चिपक जाएगी। मार्केट में हमें ये कटर भी मिलते हैं, पर इससे क्या होता है कि बहुत ही बारीक भिंडी इससे कटती है, जिससे क्या होता है कि भिंडी आपस में चिपक जाती है। तो हम प्रेफर करेंगे कि इसको हाथ से ही काटें। फूड प्रोसेसर में भी काटेंगे तो कई बार क्या होगा, कई भिंडी ख़राब हो जाएगी, कोई निकलेगी, ये देखें जैसे इस भिंडी में देखें ये ख़राब है। तो फूड प्रोसेसर में भी अगर हम इसे काटेंगे तो ये सब भिंडी में मिक्स हो जाएगी, तो इसलिए आप प्रेफर करें कि आप इसको नाइफ से ही काटें। ये हमने भिंडी काट ली है, अब आप इसे अपने मनपसंद तरीके से बनाइए और खाइए। Thanks for watching and subscribe my channel and press the bell icon for more and more videos. Thank you.